एनसीसी भर्ती क्विज टेस्ट 17, 20 प्रश्न, 10 मिनट। तो डेली आपका सुबह में 9 बजे क्विज टेस्ट होता है, किसमें कितना है दम? 20 में 20 क्वेश्चन का आंसर जो डेली सही बताएगा आपका सिलेक्शन फिक्स यानी कंफर्म है। और आपको एक क्वेश्चन के लिए मात्र 15 सेकंड का समय मिलता है। तो सबसे खास बात है कि आपको 15 सेकंड के अंदर ही सही आंसर बताना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। सभी लोग को जय हिंद। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है? ऑप्शन है 58 सेकंड में, बी 60 सेकंड में, सी 52 सेकंड में, या फिर डी 45 सेकंड में। टाइम शुरू हो चुका है। राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है ये बताना है। तो सभी लोग जल्दी से बताएंगे। ओनली 15 सेकंड, 58 सेकंड, 60 सेकंड, 52 या फिर 45। और आप लोग टेस्ट पूरा देंगे, ठीक है? 20 क्वेश्चन का टेस्ट पूरा देंगे। कमेंट करना कि आपने कितना सही बताया। चलिए टाइम अप। तो राष्ट्रगान कितने समय में गाते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 52 सेकंड में। तो सी वाले सी 52 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, एनसीसी में कितने निदेशालय हैं यानी कितने डायरेक्टरेट्स हैं? ऑप्शन है 15, बी 16, सी 17 या फिर डी 18। टाइम शुरू हो चुका है। नंबर ऑफ डायरेक्टरेट्स इन एनसीसी, सभी लोग जल्दी से बताएं। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये सारे एनसीसी वाले तो क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई, क्योंकि आपको बताना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। चलिए जल्दी टाइम अप। तो एनसीसी में निदेशालय की संख्या अभी 17 है, तो ऑप्शन सी वाले सही है, 17 निदेशालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मनप्रीत सिंह को, बी सुरेंद्र कुमार को, सी वीरेंद्र लकड़ा को, या फिर डी मेजर ध्यानचंद को। टाइम शुरू हो चुका है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है और आप लोग डेली लाइव क्लास करेंगे, ठीक है? जो सुबह में 7:30 बजे होती है और शाम में 8 बजे। बाकी आपको जो भी जानकारी चाहिए प्लेलिस्ट में आप जाके देख लेंगे। चलिए फास्ट टाइम अप। तो हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, तो ऑप्शन डी वाले सी मेजर ध्यानचंद। क्वेश्चन नंबर फोर, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन है 6 रंग, बी 7 रंग, सी 8 रंग, या फिर डी 10 रंग। टाइम शुरू हो चुका है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं बताइएगा। चलिए जल्दी, बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी का सही होना चाहिए। जिनका गलत हो गया आपको फिर पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है? चलिए फास्ट कितने होते हैं टाइम अप। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो ऑप्शन बी वाले सी 7 रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन है फुटबॉल, बी हॉकी, सी बैडमिंटन, या फिर डी क्रिकेट। टाइम शुरू हो चुका है। विच इज द नेशनल गेम ऑफ द इंडिया बताइए जल्दी से। ये सारे क्वेश्चन आपके भर्ती में पूछेगा, ठीक है? चलिए फास्ट, लिमिट समय में आंसर जो बताएगा वही सही होगा। और 2 सेकेंड टाइम अप। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है यानी ऑप्शन बी वाले सही है, हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है भगत सिंह ने, बी सुभाष चंद्र बोस ने, सी महात्मा गांधी ने, या फिर डी चंद्रशेखर आजाद ने। टाइम शुरू हो चुका है। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी सभी लोग जल्दी से बताइएगा। गुड जोश, बहुत ही फेमस नारा है। चलिए फास्ट टाइम अप। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था यानी ऑप्शन बी वाले सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है न्यूटन ने, बी थॉमस एल्वा एडिसन ने, सी आइंस्टीन ने, या फिर डी गैलीलियो गैलीली ने। टाइम शुरू हो चुका है। हु इन्वेंट थर्मामीटर, चलिए सभी लोग जल्दी से बताएंगे। टाइमेस बिल्कुल नहीं, ठीक है? तेजस चैनल का मोटो ही अलग है, अपना मोटो है नो टाइमेस इन लिमिट टाइम और परफेक्शन, तेज रफ्तार होना चाहिए। चलिए जल्दी टाइम अप। तो थर्मामीटर का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किया था, तो ऑप्शन डी वाले सी है, गैलीलियो गैलीली। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? ऑप्शन है श्री राजनाथ सिंह, बी श्री अमित शाह, सी लाल बहादुर शास्त्री, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। टाइम शुरू हो चुका है। ध्यान दीजिएगा, अभी ये प्रेजेंट का पूछ रहा, हु इज द प्रेजेंट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो करंट अफेयर्स मोस्ट वीवीआई है एनसीसी भर्ती के लिए, सब जगह पूछते हैं आपके राज्य के बारे में और सेंटर के बारे में, दोनों का पता होना चाहिए करंट अफेयर्स। टाइम अप। तो अभी वर्तमान में भारत को होम मिनिस्टर है श्री अमित शाह, तो ऑप्शन बी वाले सही है, श्री अमित शाह। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रिपल डब्ल्यू का फुल फॉर्म लिखो, जो हम लोग सर्च करते हैं ना www, तो उसी का फुल फॉर्म। ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब, बी वर्ल्ड वाइड वेबसाइट, सी
वर्ल्ड वाइड वेब या फिर डी वर्स्ट वाइड वेब। टाइम शुरू हो चुका है, ऑप्शन आपके सामने, आप थोड़ा भी मिस्टेक करेंगे, अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर तो आप फंस जाएंगे, इसलिए आपको सारे क्वेश्चन याद करने होंगे, ठीक है। चलिए जल्दी, और लाइव क्लास चाहिए, डेली 10 लोग आते हैं, जो भी अभी तक अपना 100% रिजल्ट है, जो भी टेस्ट दिया सबका सिलेक्शन हो गया, बच्चे हो आप लोग बस। चलिए टाइम अप। TWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन सी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 10, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ऑप्शन रक्षा मंत्री, बी जनरल, सी CDS या फिर डी राष्ट्रपति। टाइम शुरू हो चुका है। तीनों सेनाओं समझ रहे हैं ना, मतलब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों सेनाओं का चीफ कौन होता है भाई, हेड कौन होता है, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। चलिए जल्दी टाइम अप। तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होते हैं राष्ट्रपति, ऑप्शन डी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 11, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन स्कर्वी, बी रेबीज, सी प्लेग या फिर डी बेरी बेरी। टाइम शुरू हो चुका है। इजी है, बी से ब रोग का भी नाम वैसे ही कुछ है, आपको मैंने बता रखा ट्री। विच डिजीज कॉज्ड बाई लैक ऑफ विटामिन सी? चलिए जल्दी, और 2 सेकंड बस टाइम बचा है, तो रफ्तार में कमी नहीं, टाइम अप। तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी बीमारी होती है, तो ऑप्शन डी वाले सही है, बेरी बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इतना हार्ड क्वेश्चन आ गया भाई, भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? ऑप्शन है रसगुल्ला, बी पेड़ा, सी जलेबी या फिर डी लड्डू। टाइम शुरू हो चुका है। विच इज द नेशनल स्वीट ऑफ इंडिया? एकदम बेबी टाइप क्वेश्चन है, सभी का परफेक्ट आंसर होना चाहिए। भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? चलिए फास्ट टाइम अप। तो भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है, तो ऑप्शन सी वाले सही है, जलेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मीराबाई चानू ओलंपिक में कौन सा मेडल जीती है? ऑप्शन है गोल्ड मेडल, बी ब्रॉन्ज मेडल, सी सिल्वर मेडल या फिर डी कोई नहीं। टाइम शुरू हो चुका है। तो बताइएगा जल्दी से, मीराबाई चानू ने ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है? चलिए फास्ट करंट अफेयर्स, इससे मीराबाई चानू से रिलेटेड 3 क्वेश्चन है कि पहला मेडल कौन दिलाया भारत को 2021 ओलंपिक में, तो मीराबाई चानू। चलिए टाइम ऑफ। तो मीराबाई चानू ने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है, ऑप्शन सी वाले सी सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? ऑप्शन है हर्षवर्धन, बी जगत प्रकाश नड्डा, सी गुलाम नबी आजाद या फिर डी मनसुख मांडविया। टाइम शुरू हो चुका है। चलिए फास्ट जल्दी से बताइएगा, भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है बबुआ, यानी हेल्थ मिनिस्टर, करेंट अफेयर्स से मोस्टली वीआई। चलिए जल्दी, गुड जोश, बट काफी लोग गलत हो रहे हो, टाइम अप। तो अभी हमारे हेल्थ मिनिस्टर है मिस्टर मनसुख मांडविया, तो ऑप्शन डी वाले सी मनसुख मांडविया। नेक्स्ट 15 नंबर फुल फॉर्म आ गया, NASA, नासा का फुल फॉर्म लिखे, इसको आपको अच्छे से याद करना पड़ता है, लंबा है ना। ऑप्शन है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेशन, बी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, सी नेशनल आर्मी एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर डी नेशनल आर्म्ड एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। टाइम शुरू हो चुका है। NASA, नासा का फुल फॉर्म लिखे, सभी लोग जल्दी से बताइएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नासा? गुड जोश, चलिए जल्दी, और 2 सेकेंड टाइम अप। तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो ऑप्शन बी वाले सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? ऑप्शन है सहारा, बी थार, सी आर्कटिक या फिर डी गोबी। टाइम शुरू हो चुका है, बताइएगा सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है दुनिया का, पूरी दुनिया का पूछा है, और ये क्वेश्चन 2022 में फिर से भी रिपीट किया, सभी का आंसर सही आना चाहिए। चलिए जल्दी, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? टाइम अप। तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, तो ऑप्शन ए वाले सी सहारा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के वर्तमान परिवहन विभाग मंत्री कौन है? ऑप्शन है नितिन गडकरी, बी CP जोशी, सी अटल बिहारी वाजपेयी या फिर डी नीतीश कुमार। टाइम शुरू हो चुका है। तो जल्दी से बताइएगा, भारत के वर्तमान परिवहन विभाग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी, CP जोशी, अटल बिहारी या फिर नीतीश कुमार। गुड जोश, चलिए फास्ट, और 2 सेकेंड टाइम अप। तो अभी हमारे परिवहन विभाग मंत्री हैं
मिस्टर नितिन गडकरी, तो ऑप्शन ए वाले सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए एशिया, बी यूरोप, सी ऑस्ट्रेलिया या फिर डी अफ्रीका। टाइम शुरू हो चुका है। पूरी दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, मतलब विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द होल वर्ल्ड। चलिए फास्ट, अभी तो सब लोग सही है बट कुछ लोग फंस रहे इसमें भी। टाइम अप। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, कुछ लोग एशिया लिख रहे, तो बबुआ एशिया सबसे बड़ा है, ठीक है, तो सी वाले से ही ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 19, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है 5 राज्यों से, बी 8 राज्यों से, सी 7 राज्यों से या फिर डी 10 राज्यों से। टाइम शुरू हो चुका है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, मतलब कितने राज्यों को क्रॉस करती है, ये पूछ रहा है, 5, 8, 7 या 10। चलिए जल्दी सभी लोग, गुड जोश। टाइम अप। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों को क्रॉस करती है, ठीक है, तो ऑप्शन बी वाले से ही 8 राज्यों से। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसमें ध्यान दीजिएगा नहीं तो फंस जाओगे। भारत पाकिस्तान युद्ध कब कब हुआ है? ऑप्शन है 1947 में, 62 में, 71 में और 99 में। ऑप्शन बी 1962 में, 65 में, 71 में और 99 में। ऑप्शन सी 1947 में, 65 में, 71 में और 99 में, या फिर ऑप्शन डी 1947 में, 65 में, 71 में या फिर 1962 में। टाइम शुरू हो चुका है, ध्यान नहीं दोगे गलत हो जाओगे। चलिए, 4 बार हुआ है ना पाकिस्तान से, तो कब कब हुआ ये पूछ रहा है, ऑप्शन आपके सामने है। मुझे आंसर सभी का 100% सही होना चाहिए, ईजी है, अगर पढ़े होंगे तो ईजी है, नहीं तो फिर तो तुक्का लगाओगे। चलिए टाइम आप। तो भारत पाकिस्तान का युद्ध 1947 में, 1965 में, 1971 में और 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, तो सी वाले सही है। बाकी लोग पढ़ के आइए, इतना ईजी क्वेश्चन आपको नहीं आता, सारे मॉडल पर पढ़ो। तो विनर कौन कौन है, 20 में 20 किसका सही है, वो होगा विनर। आप सभी को कंग्रेचुलेशन। और आपका कितना सही है, 5, 10, 15 कितना, कमेंट करके बताइए। और कल नेक्स्ट क्विज टेस्ट 18 होगा, बाकी आप लाइव क्लास करते रहेंगे। और टोटल 35 मॉडल पेपर है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 1500 के आसपास है, ठीक है, जो मैंने आपको आंसर के साथ बताया है, और सारे ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे। तो अभी के लिए इतना ही, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।